नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, हम जब भी कुछ बाइक का मॉडिफिकेशंस का दिमाग में हमारे ख्याल आता है तो हम सोचते हैं क्यों ना बाइक का कलर ही चेंज कर देते हैं। देख देख के एक कलर को बोर हो गए हैं, चेंज करने से हमारा बाइक का कम्प्लीटली नया लुक आ जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ये सही बात है दोस्तों, आप कम्प्लीटली आपका बाइक का कलर चेंज कर सकते हैं। इसका भी लीगल प्रोसीजर है, आप हमारे एक वीडियो है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आपका बाइक का रैपिंग करवाना चाहते हैं तो इसका क्या सीन है इंडिया में, लीगल है नहीं है, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो का एंड तक बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, रैपिंग का क्या सीन है इंडिया में, रैपिंग लीगल है नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि रैपिंग कुछ हद तक लीगल है और कुछ हद तक इलीगल है भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं जगह पे आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और कहीं कहीं जगह पे आपको फ़ाइन देना नहीं भी पड़ेगा, लेकिन कम्प्लीटली लीगल नहीं है हमारे इंडिया में। क्यों नहीं है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा सेक्शन 52 है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका बाइक का जो कलर है या जो भी है, आप बिना आरटीओ के इन्फॉर्म किए नहीं कलर चेंज कर सकते हैं या कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आपका बाइक का कलर रेड है, आप बोर हो गए देखते देखते कलर, नया एक कलर करवाना चाहते हैं और आप रैपिंग करवा दिए मैट ब्लैक, तो दोस्तों अगर आप मैट ब्लैक कलर रैपिंग करवा दिए हैं तो अगर आरटीओ में आपका जो बाइक का नंबर है वहाँ पे रजिस्टर है कि आपका बाइक का कलर रेड है बोल के, और लेकिन आपका पुलिस चेक होता है कि अगर जब चेकिंग होता है तो आप वहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक मैट ब्लैक कलर कम्प्लीटली करवा दिया गया है, क्योंकि अगर रैपिंग कर रहे हैं तो बाइक का कलर कम्प्लीटली ही चेंज हो जाता है, कहीं से भी आपका बाइक रेड नहीं दिखेगा, तो इसी के वजह से आपको यहाँ पे फाइन देना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसका क्या सोल्यूशन है, हम तो अभी तो आप जान लिए कि रैपिंग कम्प्लीटली लीगल नहीं है, तो क्या सोल्यूशन है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास बुलेट 350 है और उसका कलर मतलब शाइनी ब्लैक है, तो अगर मैं इसको चेंज करवाता हूँ तो मैं उसको मैट ब्लैक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक ब्लैक हो गया। अगर आपका बाइक का डुअल टोन भी बाइक कुछ कुछ आता है, पल्सर का बीच में आ रहा था डुअल टोन, मतलब आपका बाइक का रेड और ब्लैक है, तो उसके हिसाब से उसके चलते मतलब आप कुछ चेंज कर सकते हैं बाइक का रैपिंग, यानी कि रेड या ब्लैक में कुछ रैपिंग करवा सकते हैं। लेकिन आपका बाइक अगर रेड कलर है तो आप मैट ब्लैक रैपिंग करवा दे तो वहाँ पे आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है दोस्तों। मैं आपको टू द फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे या कुछ कुछ जगह पे लीगल होगा, कुछ कुछ जगह पे इलीगल होगा दोस्तों। ये बात मैं डंके की चोट में तो नहीं बोल सकता, अगर ये बात मेरा सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा जानना जितना है, मैं जितना रिसर्च किया जितना पढ़ा उसी हिसाब से अगर बोलूँ तो हमारे इंडिया में लीगल नहीं है और उसके कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन आज तक नहीं आया है। अगर आपको फ़ाइन भी पड़ता है तो कितना अमाउंट ऑफ फ़ाइन पड़ेगा वो भी फिक्स अमाउंट नहीं है, जैसे कि अगर आपका DL नहीं है तो कुछ फिक्स अमाउंट है, इतना अमाउंट ऑफ फ़ाइन आपको पड़ेगा। वैसे ही मतलब आप रैपिंग करवाए हैं और ये इलीगल है तो कितना अमाउंट ऑफ फ़ाइन भी मतलब फिक्स आज तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ भी मेरे से मिस्टेक हुआ है या मेरे मतलब मैं जो रिसर्च किया हूँ वहाँ से मिस्टेक हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे दुनिया में कोई भी कंप्लीट नॉलेज लेके नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।